सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के नगर पंचायत भारतभारी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी एडवोकेट जलाल अहमद, नगर पंचायत बढ़नी चाफा से प्रत्याशी डॉक्टर अली मजार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने भाषा पर तंज कसते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुझे तीसरा इंजन भी दे दिया जाए। मोदी का इंजन अडानी के लिए काम करता है और योगी जी का इंजन, हम लोगों ने लखीमपुर हाथरस जैसे कांड देखे। प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो गए, बच्चे नमक रोटी खाते देखे जा रहे हैं। इनका तीनों इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है, अब नया इंजन चाहिए। आम आदमी केजरीवाल वाला इंजन चाहिए। वहीं पर दिल्ली में धरना दे रहे खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश फोगाट को उन्होंने अपनी बेटी कहा था, अब उसी बेटी को बहन की गाली दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा और मोदी जी खामोश हैं। देश के चुनाव में आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि तीसरा इंजन भी उन्हीं को दे दिया जाए। मोदी का इंजन अडानी के लिए काम करता है, योगी के इंजन में हमने लखीमपुर कांड से लेकर हाथरस कांड तक सब कुछ देखा और बर्दाश्त किया। 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, बच्चे नमक रोटी खाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो दोनों इंजन जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब नया इंजन चाहिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल वाला इंजन। जलाल भाई हमारे कैंडिडेट हैं, मजहर भाई हमारे कैंडिडेट हैं, दोनों नगर पंचायतें पहली बार बनी हैं, भारत भारी की बढ़ने की। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सबको मौका दिया, एक मौका झाड़ू वालों को। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।